छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के नाम पर हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बावजूद इसके कई जिले में समय समय पर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, जो स्वास्थ्य अमले का पोल खोल देती है। मरीज को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए कई किलोमीटर तक खाट पर ले जाया जाता है। एक तरफ ग्रामीण परेशान है तो वहीं राजनीतिक पार्टियां समस्या का समाधान करने की बजाय एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होने के दावे तो बीते 22 सालों से किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी शासनकाल में मरीजों को सुलभ सुविधा मुहैया नहीं हो सका। कोई न कोई कमी आज भी नजर आ ही जाती है, लेकिन विभागीय कप्तान हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर इसे इतिश्री कर ही देते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर फिर सूरजपुर के ग्रामीण इलाके में दिखाई दी। मरीज को खाट पर लेकर कई किलोमीटर की यात्रा करते यह तस्वीर सूरजपुर के लिए कोई नई बात नहीं है। जिले में ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आती ही रहती हैं, खासकर सरहदी इलाका बिहारपुर, जो आदिवासी बहुल इलाका है, जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जनजाति बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इस इलाके में कई ऐसे गाँव हैं जो आज भी पहुँच विहीन है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस गाँव तक नहीं पहुँच पाती है। इसलिए मेडिकल इमरजेंसी पड़ने पर ग्रामीणों को अस्पताल तक पहुंचने के लिए मरीज को खाट में लेकर कई किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ती है। कई बार तो यह भी देखने को मिला कि गर्भवती महिला को खाट में लेकर अस्पताल ले जाने के दौरान ही रास्ते में ही बच्चे ने जन्म ले लिया। लगातार ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत आला अधिकारी और नेताओं से की जा चुकी है, बावजूद इसके आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसके बाद गाड़ी को फोन लगाया, गाड़ी नहीं आया। वो बोला कि जाने का साधन मेरे को नहीं है, वहाँ नहीं जा पा, रास्ता ख़राब है। तो हमारे जो पंडू बस्ती था है, उसका बाद हमारा डिलीवरी तो था, तो हम लोग खाट में डो के लेने बाद में खाटे से बच्चा पैदा हो गया। बसंती पंडो के जैसे प्रसव पीड़ा चालू हुआ और 108 एम्बुलेंस को लगाया गया, एम्बुलेंस वाले मना कर दिए क्योंकि वहाँ रोड नहीं है जाने आने का। आए दिन पंडो बस्ती है सेमरखाड़, ग्राम पंचायत भंवरखो के अंतर्गत आता है, आए दिन वहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूर से लेके आ रहे हैं। बेटी है। हुआ था क्या? बोला वो बोल रहा था कि नहीं, हम घाट का नीचे ले आओ, ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, गाड़ी नहीं मुड़ पाएगा, ऐसे करके बोले। मैं बोला सीसी रोड तक तो ले आइए, सीसी रोड जहाँ बना है वहाँ तक तो हर गाड़ी आ जाता है। तो बोले नहीं नहीं मुड़ पाएगा गाड़ी। इस इलाके के ग्रामीण मेडिकल सुविधा के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं सत्ता और विपक्ष दोनों ही राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। जहां एक ओर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री यह मान रहे हैं कि कई गांव सड़क विहीन है, जिसकी वजह से वहां मेडिकल सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है, लेकिन साथ ही वह मीडिया पर भी ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष इस पूरे मामले में राज्य सरकार को घेर रही है और उनकी विफलताएं भी गिना रही है। सरकार को घेरने में अब आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आपका दावा है कि यदि उनकी सरकार 2023 में बनती है तो वह दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करेंगे, जिससे लोगों को काफी फायदा भी होगा। कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियां हैं जहां सड़क नहीं बन पाए हैं, ये एक सच्चाई है। 11,658 पंचायतें हैं और 20,000 लगभग छत्तीसगढ़ में गांव हैं, तो 100-125 गांव ऐसे अभी भी हैं जहां सड़क नहीं बन पाई है। तो मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया में भी वो चीज़ आती है जहां से तकलीफ में लोगों को आना पड़ रहा है, शेष गांवों में जहां सुविधा बन गई है वो कवरेज नहीं होता। तो कई बार ऐसा लगता है कि सभी कोई खटिया में आ रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यजनक स्थिति कुछ गांवों के लिए अभी भी बनी हुई है। दूर दराज में पहाड़ के ऊपर ऐसी बस्तियां, ऐसे मोहल्ले अभी भी हैं जहां सड़क नहीं है, बाकी कहीं पुलिया नहीं है, तो ऐसी जगह में दिक्कत है, बाकी जगह तो करीब करीब। देखो ये विभाग खाटे पर से चल रहा है और इनकी खटिया जो है खड़ी हो गई है। अब एक खाट में आ गया ये स्वास्थ्य विभाग, एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही इसलिए इसके जगह में खाट में लोग डोली में लोग ले जा रहे हैं। इस सरकार को डूम मरना चाहिए। लोग जो है ये पूरे प्रदेश में तबाही है। पिछले मैं सांसद रहते हुए
पार्लियामेंट में प्रश्न किया था और उस प्रश्न के जवाब में मिला था कि 25,000 माताएं बहनों की डेथ 3 साल में स्वास्थ्य के कारण जो है बस्तर से लेकर सरगुजा तक के बच्चों महिलाओं को हुआ। ये स्थिति है। देखिए आज करीब 22 सालों से वहाँ का व्यवस्था कुछ नहीं किया है शासन ने, ना बीजेपी वाला किया है ना कांग्रेस वाला। आज 22 सालों से वहाँ की जनता बहुत परेशान है। स्वास्थ्य को लेके खाट में लोग लेके आते हैं, रोड अच्छा नहीं है, रोड अच्छा नहीं होने के कारण कुछ नहीं है वहाँ, व्यवस्था ही सब खत्म है। स्वास्थ्य मंत्री हमारे जिला से आने से क्या होता है, जब काम ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखिए हमारा ये पहल तो है और आने वाला 2023 के चुनाव में हम चाह रहे हैं कि हमारा सरकार बने। बिहार मूल का रोड इतना अच्छा हम बनवा देंगे कि मोहल्ले मोहल्ले में क्लिनिक का व्यवस्था हो जाएगा। हाट से ले जाने का कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगा, हर मोहल्ला में क्लिनिक होगा वहाँ, जैसे आज हमारे केजरीवाल जी दिल्ली में किए हुए हैं। भले ही भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हों, लेकिन एक बात तो साफ है कि वह भाजपा के 15 साल हों या कांग्रेस के 4 साल, इस इलाके में दोनों ही पार्टियों के विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए सूरजपुर से नितेश गुप्ता की रिपोर्ट।